किसी ने क्या खूब कहा है, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है बल भी उसी के पास होता है, बुद्धिहीन का तो बल भी निरर्थक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी से हम सीखेंगे कि अपने अंदर मौजूद अवगुणों को कैसे नियंत्रण में रखें। यह कहानी महान दार्शनिक सुकरात के जीवन की घटना पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं यह स्टोरी जिसका शीर्षक है बुद्धि का बल। विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे, तभी वहां अजीबोगरीब वस्त्र पहने एक ज्योतिषी आ गया। वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, मैं ज्ञानी हूं, मैं किसी का चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूं। बताओ तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा। शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। सुकरात ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। अब वह ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन देखने में बड़े सामान्य थे, बल्कि उन्हें कुरूप कहना कोई अतिशयोक्ति न हो। ज्योतिषी उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सुकड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी ने अभी इतना ही कहा था कि वहां बैठे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। पर सुकरात ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूर्ण करने के लिए कहा। ज्योतिषी बोला, तुम्हारा बेडोल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक लालची ज्योतिषी हो और तुम्हारी ठुड्डी की बनावट तुम्हारे सनकी होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए, पर इसके उलट सुकरात प्रसन्न हो गए और ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। शिष्य गुजरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है। नहीं पुत्रों, ज्योतिषी ने जो भी कुछ कहा है वो सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मुझे लालच है, क्रोध है और उनसे जो कुछ भी कहा वो सब है, पर वह एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ हमारी बाहरी चीजें देखी पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आका पाया। इसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने बस में किए रहता। बस वह यहीं चूक गया, वह मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। सुकरात ने अपनी बात पूर्ण की। दोस्तों, यह प्रेरक प्रसंग बताता है कि बड़े से बड़े इंसान में भी कमियां हो सकती हैं, पर यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो सुकरात की तरह ही उन कमियों को से पार पा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति के अंदर लालच, क्रोध हर चीज होती है, मगर उसको हम अपने अंदर नियंत्रण करते हैं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से। तो अपनी बुद्धि और विवेक से अपने अंदर की कमियों को नियंत्रित करते रहिए, कंट्रोल करके रखिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल का नोटिफिकेशन आपको 5:30 बजे मिलता रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।